आज हम जानेंगे रवीना टंडन के बारे में। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा रह चुकी है। वह मुख्यतः हिंदी फिल्मों में नज़र आती है। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 मुंबई में हुआ था। उनके पिता रवि टंडन हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्माता थे। उनकी माँ का नाम वीना टंडन है। उनका एक भाई है राजीव टंडन, जो कि फिल्म अभिनेता है। स्नातक की पढ़ाई मीठाबाई कॉलेज मुंबई से की है। रवीना को उनकी पहली फिल्म का ऑफर उनके कॉलेज के दिनों के दौरान मिला था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में अपना कैरियर बनाना उचित समझा। रवीना टंडन का शुरुआती फिल्मी कैरियर बेहद शानदार रहा था। उनकी डेब्यू फिल्म हिट साबित हुई थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उसके बाद वह मोहरा, दिलवाले जैसी सुपरहिट फिल्मों में नज़र आई। रवीना ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह की फिल्मों में भूमिका निभाई, चाहे वो एक्शन थ्रिलर हो, रोमांस या कॉमेडी, वह हर फिल्म में काफ़ी बेहतर नज़र आई। साल 1995 में वह फिल्म जमाना दीवाना में सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख संग रोमांस करती हुई नज़र आई, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को अपनी ओर नहीं खींच पाई, जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद वह कई सफल फिल्मों में बेहतरीन भूमिका निभाती हुई नज़र आई। हालांकि बाद में उन्होंने किसी कारण से हिंदी फिल्मों में ब्रेक ले लिया और कई फिल्मों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जो फिल्में बाद में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। साल 1996 में वह एक बार फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के संग फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में नजर आई। यह फिल्म उस साल की हिट फिल्म में शुमार हुई। उसके बाद वह सनी देओल संग फिल्म जिद्दी में नजर आई। यह एक्शन रोमांस बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में रवीना ने काफ़ी बेहतरीन भूमिका अदा की थी। वह अपने हिंदी सिनेमा करियर में पहली बार फिल्म 10 में खलनायिका का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन निर्देशक की मृत्यु के बाद इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया। साल 1998 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। उनकी आखिरी रिलीज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां थी। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी दूसरी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल का रोल ऑफर किया गया था, ये फिल्म करने से मना कर दिया। बाद में यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इसी साल वह फिल्म घरवाली बाहरवाली में नज़र आई। इस फिल्म में अनिल कपूर और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में नज़र आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन व्यापार किया था। इसी साल विनाशक, परदेसी बाबू, आंटी नंबर 1 में भी नज़र आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी फ्लॉप साबित हुई थी। साल 2000 में रवीना टंडन आर्ट जैसी फिल्मों में नज़र आने लगी, कि उनके कैरियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। उन्होंने सूल, बुलंदी, अक्स जैसी फिल्में की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। रवीना टंडन की शादी बिजनेसमैन अनिल ठंडानी से हुई है। उनके 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, जिनमें बेटियों को उन्होंने गोद लिया है। रवीना टंडन ने एक बार फिर से अपने फोटो शूट से फैंस को क्लीन बोल्ड कर दिया। 47 साल की हो चुकी ये अदाकारा डाइनिंग टेबल पर बैठकर इतने इतराते हुए पोज मारती दिखी कि उन पर से नज़रें हटा पाना मुश्किल हो गया। ऊपर से उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो भी सोल्ड आउट हो गए। इसी साल अप्रैल 2022 में रवीना टंडन अपनी नई फिल्म KGF चैप्टर 2 में नज़र आई। KGF चैप्टर 2 में अभिनेत्री रवीना टंडन प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई है। रवीना टंडन ने अपनी फिल्म का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोग फिल्म देखते देखते स्क्रीन पर सिक्के फेंकते नज़र आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।